नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज हम चर्चा करेंगे कि नाइन्थ का लॉर्ड नवम भाव का स्वामी अगर सिक्स्थ में हो, एट्थ में हो और ट्वेल्थ में हो तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज इस चीज की समाप्ति होगी जो हम नाइन्थ लॉर्ड की अलग उसको अच्छे से डिटेल में समझ रहे थे। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस, कि ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कैसे आएंगी सजिटेरियस के लिए। ठीक है, देखिए नाइन्थ का लॉर्ड जो है अगर सिक्स्थ हाउस में हो, ठीक है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। हम सभी जानते हैं कर्मिंदर जी, आप देखिए कि आपने जो कुंडली बनाई है उसमें नाइन्थ हाउस है, जो हाँ जी, हाँ जी, ओके, उसका जो लॉर्ड है वो बृहस्पति होता है। ठीक है, ये काल पुरुष कुंडली है जो नंबर एक से मेष राशि से स्टार्ट होती है। ये जाके अगर छठे भाव में बैठ जाए, सिक्स्थ हाउस के अंदर, तो भाव जो है वो बुध उसका स्वामी है। ठीक है जी, और बुध जो है वो बृहस्पति से फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, और साथ ही जो इस घर का कारक तत्व है वो बुध और केतु के पास है। ठीक है, और नाइन्थ हाउस से हम अपने फादर को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, लॉ को देखते हैं, रेगुलेशंस को देखते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, धार्मिक स्थान को देखते हैं, ऊंची प्लेसेस को देखते हैं, रिलीजियस प्लेसेस को देखते हैं। नाइन्थ हाउस से हमारे भाग्य को देखते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जब नाइन्थ का लॉर्ड जाके सिक्स्थ में चला गया, सिक्स्थ हाउस क्या है मोनिका जी? सिक्स हाउस है रोग ऋण रोग ऋण रिपु। जी अब नाइन्थ का संबंध जो है वो सिक्स्थ के साथ बन गया। जी सर सिक्स्थ हाउस रोग ऋण और रिपु का है, नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है, हमारे पिता का है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है किसी भी तरीके से। सबसे पहले तो ये आपके पिता की खराब सेहत या आपके पिता के साथ कोई अरिष्ट, कोई एक्सीडेंट या आपके पिता का बीमार रहना, जो जातक है जिसकी कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है उसके पिता की सेहत ठीक ना रहे, किसी ना किसी रीजन से वो बीमार रहे या उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, कोई ना कोई उनको रोग रहे। अगर ऐसी पोजीशन नहीं है तो अचानक कोई चोट चपेट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इवन कि उनकी आयु पे भी खतरा हो सकता है। ठीक है जी, दूसरी बात, ये तो फादर की बात हो गई। अब भाग्य जो स्थान है वो हमारा भाग्य स्थान भी है, वो हमारी प्रोटेक्शन भी तो दिखा रहा है। नाइन्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में जा रहा है वो क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा? कॉमन सेंस से यूज कीजिए। सिक्स्थ हाउस है रोग का, ऋण का, रिपु का। नाइन्थ हाउस जुपिटर है, जुपिटर है, ठीक है, उसका मूल त्रिकोण साइन है सेजिटेरियस। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में चला गया, जुपिटर जीव कारक है भृगु नंदी नाड़ी में। जीव कारक मतलब सर वो खुद की हेल्थ भी खराब हो सकती व्यक्ति है जी, व्यक्ति खुद। व्यक्ति खुद कि ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? उसकी हेल्थ इन इश्यूज आ चीज इन सकते चीजों को हैं, जोड़िए आप। उसको ऋण हो सकता है, उसके कर्जा हो सकता है, उसकी सेहत खराब हो सकती है। सेहत खराब हो सकती है, अचानक लोग शत्रुता किसी से पड़ जाना, शत्रुता हो जाना, दुश्मनी हो जाना, शत्रु बढ़ जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। जी सर ठीक है जी, ये चीजें हो सकती हैं। खुद
खुद की जी, सेहत खराब रहे, ऐसी चीजें हो सकती हैं, और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं किसी के साथ। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन और दूसरी बात, अगर अब ये चीज है कि मान लीजिए कि सिक्स्थ लॉर्ड जो है और नाइन्थ लॉर्ड है, ठीक है, ये वीक पोजीशन में, नाइन्थ लॉर्ड वहां जाके वीक हो गया, ठीक है, लेकिन ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है, लेकिन नाइन्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में जाके इंप्रूव हो जाता है, मतलब जैसे मकर लगन है, तो वहां नाइन्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में अपने घर में चला जाता है, ठीक है ना, ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। अब जो मान लीजिए लियो साइन है, लियो लगन है, उसमें भी सिक्स्थ और नाइन्थ का लॉर्ड एक ही है, नहीं नहीं, नहीं उसमें नहीं है, सॉरी, वो उच्च का हो जाता है वहां जाके, मंगल है। ये सॉरी कर्क के लिए है ना, कर्क के लिए नौ अच्छा, दस ग्यारह बारह, कर्क के लिए भी सिक्स्थ और हाँ नाइन्थ का लॉर्ड एक हो जाता है, जी सर, राइट, है हाँ वो जी, जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर है। अब सिक्स्थ का लॉर्ड इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में बता रहा हूं, सिक्स्थ का लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड लगन में जाके उच्च का हो रहे, क्या तब भी आप यही बोलोगे? अब मैंने जो चीज बताई वो तो गलत हो गई, यहां पे गलत हो गई ना, जी फिर सर, आप भी तब भी यही बोलोगे? नहीं अगर नाइन्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में जाके इम्प्रूव हो रहा है तो हम बोलेंगे सिंह लगन के लिए हो गया ना, वहां उच्च का हो जाएगा, है, मंगल है। कर्क लगन के लिए नहीं, सिंह लगन के लिए मंगल होता है नाइन्थ लॉर्ड, कर्क उच्च का हो जाएगा सिक्स्थ हाउस में। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? यहां तो मैं कुछ और ही पढ़ा रहा हूं, ये वो एक्सेप्शन मकर लगन में भी तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, नाइन्थ का लॉर्ड जाके अपनी राशि साइन में चला गया, कर्क यहाँ लगन में भी ये एक्सेप्शन हो गया, तो व्हाट यू विल से? तब सिक्स्थ भाव जो है सेवा का भाव है, हाँ, तब वो सेवा हो जाएगी, तब आपको सेवा करनी भाग्य उदय पड़ेगी, कैसे होगा? जब वो सेवा सेवा करनी, सेवा सेवा करनी। करेगा, सेवा करेगा, दान करेगा, सिक्स्थ हाउस, दो छे दस, सिक्स्थ हाउस सेवा का है, तो ऐसे इंसान का भाग्य उदय होगा अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में कुछ कर रहा है, सेवा कर रहा है, या लॉयर बहुत अच्छा है, अब वो क्या कर रहा है, डिस्प्यूट के घर में जाके उच्च का हो रहा है, पता लगा कि बंदा लॉ लॉ एज अ लॉयर काम कर रहा है, तो ही विल बी एक्सीलेंट लॉयर, होगा कि नहीं होगा? जी सर, जो भाव है ना सिक्स्थ हाउस, उसका भाव वही है, नाइन्थ हाउस का वहां गया, लेकिन वहां वो जाके मजबूत हो रहा है, वीक नहीं हो रहा, जनरली वीक होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो मजबूत हो रहा है, इम्प्रूव्ड पोजीशन में आ रहा है, तो पता मतलब लगा है फादर बहुत अच्छे लॉयर थे, या डॉक्टर बहुत अच्छा है, बैंकिंग में है, ठीक है, रोग जी ऋण, ऋण कौन देता है फिजिकल वर्ल्ड में, हमें जो हमारी दुनिया है उसमें ऋण कौन देता है आज की डेट में? बैंकर्स देते हैं, सर, ठीक है, बैंकर्स देते हैं ना, हाँ जी सर, और जो रिपू है दुश्मनी से हमें कौन बचाता है? लॉयर्स, लॉयर्स, लॉयर है, ठीक है, रोग से हमें डॉक्टर बचाता है, डॉक्टर बंदा बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा लॉयर हो सकता है। अब उल्टा हो गया, अब क्या हो गया कि जहां नाइन्थ हाउस के सिग्निफिकेंस जो हैं वो है खराब हो रहे थे सिक्स्थ हाउस में जाने से, लेकिन सिक्स्थ हाउस में जाके अगर नाइन्थ हाउस और नाइन्थ का लॉर्ड और अच्छा हो रहा है, देन क्या होगा, वो उसके सिग्निफिकेंस से फायदा उठाएगा, चेंज हो गया ना सिस्टम, जी। ज्योतिष डिपेंड्स अपॉन देश काल पात्र परिस्थिति, हो चेंज हो गई ना चीजें, जी सर, ठीक है, लेकिन काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम जाएं तो नाइन्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में जा रहा है,
तो सिक्स्थ हाउस जो है एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, तो वहां पे जाने से क्या होगा, वहां पे जाने से वो खराब हो रहा है। अब लेकिन लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आग की नेचर तो जलाने वाली रहती है ना। अब उसको वहां से वो वैसे मटेरियलिस्टिक तो गेन्स कर रहा है, लेकिन उसकी हेल्थ को कोई ना कोई इश्यू आ जाएगा, अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, हेल्थ में ऐसी प्रॉब्लम होगी जो रिकवरी नहीं हो रही, मतलब ओवरऑल अच्छा कर रहा है लेकिन खुद की हेल्थ में थोड़ी गड़बड़ होगी। उसका जो लिविंग उस छठे भाव से जो लिविंग यस। वो खराब हो और रहा है। दूसरी हमने बात बोली थी कि जब भी कोई प्लेनेट अगर खराब है, वो लिविंग सिग्निफिकेशंस को जरूर हार्म करता है। पैसा बहुत है, हेल्थ अच्छी नहीं है, करियर में सक्सेस है लेकिन घर में शांति नहीं है। अब मटेरियलिस्टिक तो गेन हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं वो हैम्पर, वो खराब हो गए, जी सर, कोई रोग दे दिया, क्योंकि ऋण तो है ना, ऋण का घर है तो वहां पे वो गया है, वो अपनी नेचर नहीं छोड़ेगा, दो उसको। ठीक है ना। नेचर के हिसाब से बाकी जगह सक्सेस दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ वगैरह इश्यू दे दिया, ऐसे कोई इश्यू दे देगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर नाइन्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में चला जाए, ठीक है, नाइन्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में चला जाए, तो आप ये चीज देखिए कि एक तो मेरा माउस खराब हो रखा तो आप ये चीज देखिए कि एट्थ हाउस क्या होता है, एट्थ हाउस क्या है, 8,000 सर, मुक्त हिडन ज्ञान। हिडन मनी, हाँ छुपा हाँ हुआ धन। और आज की डेट में छुपा हुआ धन कौन सा है, जो लोग दो नंबर का पैसा कमा रहे हैं, ब्लैक मनी, पैसा कमा लिया लेकिन टैक्स नहीं भरा, बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, कैश में आपके पास है लेकिन आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। सिक्स हाउसेज 11वां है, 6वां घर जो है आपके अष्टम भाव से 11वां है, ठीक है। तो जातक के अब जी सर, जहां अब वही बात आ गई कि यहां पे जाके स्ट्रांग हो गया वो, ठीक है। वो हेल्थ नहीं हो गया। हाँ बारहवां जी, बारहवां 8 से 11वां हो गया ना ग्यारहवां जी, 9th हाउस से नहीं, 8th से, हम बात सॉरी कर 8th से 6th। 9th हाउस 6th में चला गया, हाँ भाग्य का स्थान छठे में चला गया, छठा स्थान 8th से 11th है। अच्छा, ठीक 8th हाउस क्या है, हिडन मनी, है। अनअर्न्ड इनकम, इंश्योरेंस की इनकम, पेरेंटल प्रॉपर्टी जो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसमें अगर तो वो इंप्रूव हो गया तो बहुत सारा पैसा दे देगा, कौन सा, दो नंबर का ब्लैक मनी देगा ना, मटेरियलिस्टिक गेन्स देगा। जातक जो है हमेशा उसका जो ध्यान है वो मटेरियलिस्टिक पैसा कमाने में, पैसा 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 करेगा, सारी उम्र मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ जाएगा। मैं ये भी कर लूं, एक घर बन गया, दूसरा घर बना लूं, आज मैंने ऑल्टो ले लिया, कल मर्सिडीज ले लूं, ऑलवेज ही इज रनिंग अबाउट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। और ऐसे उसमें उसके फादर जो हैं, उसके साथ भी ये स्थिति हो सकती है ठीक है, तो उसके फादर के साथ भी ये स्थिति हो सकती है कि उनके फादर के पास भी ब्लैक मनी बहुत अच्छी खासी हो, ठीक है। सिक्स्थ हाउस है वो हमारी इलीगल काम, अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के साथ जातक इलीगल काम भी कर सकता है। अब कैसे करेगा जी, बताइए बताइए, अपने आप को आप भी सोचिए कि कैसे, प्रॉपर्टी पेरेंटल है, जी, उसमें क्या इलीगल करेगा बोल है? रहे हैं प्रॉपर्टी पे रेंटल। हाँ ठीक है।
अब किसी को पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, उसका भाई भी है, उसने कोई ना कोई घपला किया और उसकी उसका भी हिस्सा खा गया, उल्टे सीधे इलीगल काम किए उस प्रॉपर्टी को लेके जो पेरेंट्स की तरफ से ऑलरेडी मिलनी थी, या उसको बुरी आदतें हैं। अब जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जो उसके पास अपने फादर की प्रॉपर्टी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी जातक को मिलती है, उसको उसने बर्बाद कर दिया, कहीं गिरवी रखाया, छोटी सी चीज के लिए लोन ले लिया, ऐसे करते करते जो भी जमीन जायदाद वगैरह किसी तरह गिरवी के भी रख लोन सकता हैं जी है, गिरवी भी रख देते हैं लोग के, हाँ कई लोग पैसे। होते हैं ना जिनकी खुद की आदतें खराब हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर काफी लोन्स हो गए हैं, पता लगा पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई। मैं बहुत सारी सिचुएशंस में से कुछ सिचुएशंस की एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी को किन सिचुएशंस में, या तो अपनी बुरी आदतों की वजह से रखेगा। अब ये भी हो सकता है, नाइन्थ हाउस फादर का भी है ना, फादर को ऐसी आदतें थी कि इस दुनिया से चले गए, पता लगा कि उन्होंने इतना लोन ले रखे हैं कि अब उसको प्रॉपर्टी बेच बेच के चुकानी पड़ रहे हैं, फादर के जाती इमरजेंसी आ गई फाइनेंशियल, अब प्रॉपर्टीज जो है सस्ते में बेच बेच के, मतलब जो उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस है उससे काफी लो उसमें वो करके अपना कैसे ना कैसे समय को संभाल रहा है। सिचुएशनल सिचुएशनल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर ये तो तभी होगा ना अगर एफ्लिक्शन ज्यादा होगी या नाइन्थ हाउस में। जितनी अफ्लिक्शन, देखिए जितने दो चीजें हैं, हम किसी भी प्लेनेट का जो कोई कॉम्बिनेशन होता है, या किसी भी प्लेनेट का वीक होना, कैसे वीक होगा, पहली चीज तो ऐसी पोजीशन में हो जहां अच्छे रिजल्ट ना दे रहा हो, फिर उसके साथ अफ्लिक्शन हो जाए, राहु केतु आ जाए या शनि आ जाए, या मान लीजिए कोई उसके एनिमी प्लैनेट्स बैठ जाए जाके, ठीक है, सर तो वो हम तो वो वीक हो जाएगा ना, और अफ्लिक्शन बढ़ जाएगी, और जितनी अफ्लिक्शन बढ़ेगी उतना वो नेगेटिव साइड में रिजल्ट देगा। वृष लग्न के लिए वो नीचे जाएगा वहां जाके नवमेश जो नवमेश नीच कैसे हो जाएगा? सैटर्न है ना टॉरस हाँ के। तो नहीं सॉरी सॉरी वहां तो उच्च का हो जाएगा। उच्च का हो जाएगा। सही उच्च का हो जाएगा। अब टॉरस जो है, अगर दो नंबर की राशि आपके लग्न में है तो 10 नंबर की राशि आपके नवम भाव में होगी, सही उसका सही लॉर्ड है सही शनि, शनि तुला राशि 6वें भाव में आ जाएगी, तो तुला राशि में शनि जाके उच्च का हो जाएगा, राइट? जी सर। अगर 9th का 6th के साथ कनेक्शन बनता है अच्छी पोजीशन में, तो ऐसा इंसान हीलर भी होता है ना, पढ़ाया था ना पहले, देखिए सर वो तुला सॉरी तुला लग्न के लिए बोलना था मैंने गलत बोल दिया उसमें होना हाँ था। जी, तुला लगन के लिए, तुला के लिए कैसे, 12 एक वो दो तीन, हाँ वहां जाके नीच का हो जाएगा 9th का लॉर्ड, बोलना था तो मैंने दैट इज गलत। नॉट गुड। हाँ वही कह रही हूँ तब आप ऐसा पता लगा तुला लगन के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, स्पेकुलेशन है ना, जी सर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया पैसा डूब गया, जुआ सट्टा खेला पैसा डूब गया उसका, या उसने ऐसा कोई भी काम किया जहां स्पेकुलेशन करनी है वहां पे पैसा लॉस हो गया, और बाद में क्या कर रहा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी बेच बेच के चुका रहा है, राइट? ये फादर के अब भी हो सकता है ना हाँ जी फादर फादर यहाँ पे भी ऐसा कर सकता है ना कि बिल्कुल कर फादर सकता है, बिकॉज यहां पर आप ये देखिए तुला लग्न की बात कर रहे हो ना आप, जी सर। फादर जो है 12th का लॉर्ड भी है यहाँ पे, वहां पे जाके उच्च का हो रहा है, ठीक है, और सूर्य जो कि पिता का कारक है, ठीक है, वो 7th हाउस में उच्च का हो रहा है, लेकिन लगन में जाके नीच का हो रहा है, और 11th का लॉर्ड जो है वहां पे आ रही है कौन सी राशि,
11th में तो लियो आ रही है ना, लियो आ रही है। तो कर कर सुनिए, बात सुनिए पहले, लियो कभी मेरा दिमाग में से निकल जाएगी चीज। फिफ्थ जो सूर्य है, जो कि लाभ भाव का स्वामी है, 11वां भाव हमारे लाभ का भाव होता है, ठीक है, वो भी जो है लग्न में जाके नीच का हो रहा है। जी। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस जो होता है वो पिता का इंडिकेट करता है। सूर्य जी नेचुरली नैसर्गिक तौर पे नेचुरल कारक पिता का है, वो भी लगन जी में जाके नीच का हो रहा है, और जी 9th का लॉर्ड 6th में जाके नीच का होता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है तुला लग्न वालियों के लिए कि पिता ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जब वो इस दुनिया से गए या अपनी लाइफ में वो फेल हो गया, सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी, मतलब लोगों को लग रहा है बहुत अमीर है, पता जी लगा कि अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ का कर्जा ले रखा है, सर, अब उसके तो हाथ पैर फूल जाएंगे। ऐसी जैसी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बंदे ने सोचा कि मैं कहाँ, कल तक तो वो अमीर दिख रहा था, आज वो सोच रहा है कि मैं ऊपर के पैसे कहां से लाऊं। बिल्कुल तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉबेबिलिटी है किसके लिए, तुला लगन वालों, जी सर, क्योंकि 11वें का भाव लगन में जाके नीच का हो रहा है। कंबिनेशन देखो, 9th का लॉर्ड 6th में जाके नीच का हो रहा है, 12th का लॉर्ड भी है लॉसेस। तो तुला लगन वालों को तो स्पेकुलेशन, अगर सूर्य गड़बड़ हो गया है तो स्पेकुलेशन से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। ब्लैंक चार्ट ही ले लो आप इसका, जी सर, समझ गए आप। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा समझ। लेकिन वहीं पे अगर 9th का लॉर्ड उच्च का हो रहा है, जैसे यू टोल्ड मी फॉर लियो में, जी लियो का लगन है, वहां 9th का लॉर्ड मंगल जाके 6th में उच्च का हो गया। जी सर, अब वहां पे क्या है कि वो सेवा करके, उसका वो सर्विस इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा कर रहा है, फादर सर्विस इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, फादर का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला है। क्राइस उसके ऊपर कोई क्राइसिस आए, सपोर्ट करने कौन आया, फादर आ गया। डिफेंस वगैरह में भी बहुत हो सकता है इस केस में, बिकॉज डिफेंस में हो सकता है, ठीक है, हीलर हो सकता है, जहां तक डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, बहुत अच्छा। सर इस हाँ, केस में एक वैसे एक बंगाल, क्वेश्चन है सर, हाँ जी, एक क्वेश्चन ये है, अगर 9th लॉर्ड अपने से 8 घर आगे जाके फोर्थ में बैठ जाए तो क्या, दो वो तो उच्च डिपेंड का हो कर, गया। देखिए 9th का लॉर्ड वहां जाके उच्च का हो रहा है, ठीक है, हाँ लेकिन फिर इस चीज के भी ऊपर डिपेंड करता है कि जो वैसे 9th का लॉर्ड वहां पर आ रहा है क्या उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। 9th का लॉर्ड अगर 4th में जा रहा है, अगर उसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, साथ में आप ये मत भूलिए कि वही 9th का लॉर्ड काल पुरुष कुंडली में मीन राशि का स्वामी है, जो 12वें नंबर पे आ रही है, जी सर, चेंज ऑफ लिविंग प्लेस कराता रहेगा। जातक को नई नई जगह घूमने का बहुत शौक होगा, जो ऐसा जातक है उसका एनवायरमेंट चेंज होता रहेगा। जब उसका जन्म होगा उसके पिता क्या करेंगे, लिविंग प्लेस चेंज कर लेंगे। आप देख लो, चंद्र और बृहस्पति एक साथ हैं, तो जातक जब जन्म, जातक का जन्म होता है तो उसके फादर चेंज ऑफ लिविंग प्लेस करते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर 4th हाउस में जाके उच्च का हो रहा है, बृहस्पति ज्ञान 4th हाउस में जाके उच्च का हो रहा है अपने से, 8th हाउस रिसर्च, बृहस्पति ज्ञान, चंद्रमा मन। जब मन को गुरु जो है वो स्थिर करता है, अगर अच्छी उसमें होंगे तो अच्छा सुख का होगा, जातक रिसर्च में होगा, ज्ञानी होगा, गुरु बहुत अच्छे मिलेंगे, स्पेंड करेगा तो अपने सुख के लिए स्पेंड करेगा, बहुत सोच समझ कर पैसा स्पेंड करने वाला होगा। माता बहुत ज्ञानी होंगी, रिसर्च ओरिएंटेड होंगी, ठीक है अनिल जी, क्लियर जी हुआ, क्लियर हुआ डाउट। चलिए ठीक है। और एक चीज और भी है, अब यहां पे राशि का भी देखिए आप, किस लगन में कौन सी राशि आ रही है, 4th लॉर्ड की पोजीशन कैसी है।
बृहस्पति किस पोजीशन में है? ठीक है, नाइन्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में है तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए दुर्भाग्य की निशानी है। कोई भी डिजीज हो जाना जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चले, कोई ऐसा जख्म हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी चोट हो जाए जो परमानेंटली जातकों को लाइफ लॉन्ग भुगतनी पड़ती है। कईयों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना कोई कोई गिर गए या किसी चीज से टकरा गए या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई डिजीज की वजह से उनको कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ का इश्यू हो गया परमानेंटली। ठीक है, जो अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, नाइन्थ का लॉर्ड क्या है, अबंडेंस देता है ना, एक्सपेंशन करता है, बढ़ाता है। बृहस्पति जहां जाता है अब उस जगह को एक्सपेंड करता है ना। जी सर, तो सिक्स लॉर्ड एनिमीज की है तो वहां पे अचानक दुश्मन बढ़ा देगा, और दुश्मन मालूम है कैसे मिलेंगे, जो ऑलरेडी ज्ञानी है। छोटे मोटे दुश्मन नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े दुश्मन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, ज्ञान का कारक भी है, राइट? जी सर, उसने वहां जाके क्या करना है, ऐसे लोगों से दुश्मनी डलवानी है जो ऑलरेडी नॉलेजेबल है, और उसकी जिंदगी में आएंगे, उसको तंग करेंगे और उसको सबक सिखाएंगे, वो लाइफ लेसन दे के जाएंगे उसको। किसी से दुश्मनी हुई, उससे जब वो मैटर्स खत्म होगा वो उसको जिंदगी भर का सबक सिखा के जाएगा। ठीक है ना। जी सर, अगर सिक्स का लॉर्ड जो कि जुपिटर है, सॉरी नाइन्थ का लॉर्ड जो कि जुपिटर है, सिक्स में जाकर बैठता है और वहां पर राहु से भी एसोसिएशन हो जाती है, तो ये गुरु चंडाल दोष तो बन ही गया। तो गुरु ही दुश्मन, जहां कहीं गए पैसा, लोगों ने पैसा लिया, गुरु ने पैसा लिया, सिखाया कुछ है नहीं, पढ़ने गए टीचर ऐसे मिले कि उसको लूट रहे हैं। ठीक है, धर्म कर्म के कार्यों में जातक का मन ना लगना, अधर्मी नेचर का होना, जातक किसी भी धार्मिक कार्य को परफॉर्म करने में इंटरेस्ट ना दिखाए, जातक को अपने जो रीति रिवाज हैं जिस जिस कल्चर के अंदर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी, जी, आ आ रही है। रही। जिस कल्चर के अंदर जातक पैदा होता है जेंटल देगा जिस कल्चर के अंदर जातक पैदा होता है, जातक उसी कल्चर को पसंद नहीं करता, उस कल्चर से, उस धर्म से जातक डेविएट होता है, राइट? या तो उसको गुरु ऐसे मिलेंगे जो एक्सप्लॉइट करने वाले होंगे, सही ज्ञान नहीं देंगे, या वो गुरुओं को चीट कर रहा है, ऋण बन गया, किसका बन गया, अपने गुरु का बन गया, पिता का बन गया, पिता को चीट करता है जातक। ठीक है, कई ऐसे मेरे पास कई कुंडली आई हैं जिसमें नाइन्थ हाउस में अगर राहु है तो भी यही कम्बिनेशन बन गया। ठीक है, और पता लगा है कि जो बच्चा है वो खुद मुख्तियारी करता है, मतलब अपनी बात को लेकर आगे चलता है, पिता की बात नहीं सुनता, पिता से झूठ बोलता है, पिता को चीट करता है, पिता की या बाहर कुछ और किया और घर में आके पिता को कुछ और बताया, राइट? जी सर। ठीक है, तो ये तो है कि अगर सिक्स हाउस के अंदर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आके बैठ तो कैसे परिणाम इन जर्नल मिल सकते। मेरा तो है ना, सिक्स लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड सिक्स में आके बैठा हुआ। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।